अगर आप भी मेरी तरह ही मैगी के बहुत बड़े फैन हैं, तो ईयर 2015 में आपको भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। 2015 में मैगी में फूड कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा लेड पाया गया था। इसी के कारण मैगी का मार्केट शेयर वॉज ड्रॉप फ्रॉम 80% टू 5%। सब ने मैगी बेचना बंद कर दिया और कहीं जगह पे से तो मैगी को अपना स्टॉक रिकॉल करना पड़ा। गवर्नमेंट ने मैगी को 6 हफ्ते दिए थे टू प्रूव कि वो खाने के लिए सेफ है, और मैगी ने ये चीज साबित भी कर दिखाया कि वो ईटेबल है। पर क्या इंडियन कंज्यूमर्स मैगी को एक्सेप्ट कर पाए? जी हाँ, बड़े मायने में लोगों ने मैगी को एक्सेप्ट कर लिया, और इसका सारा क्रेडिट जाता है मैगी के मार्केटिंग कैंपेन को। उन्होंने अपनी ब्रांड रिकॉल वैल्यू को बढ़ाया और कई कैंपेन्स रिलीज किया जो लोगों के इमोशन के साथ जुड़े थे, जैसे कि वी मिस यू मैगी। और मेरे जैसे बहुत सारे मैगी फैंस ने अपने सोशल मीडिया पर मैगी स्टोरीज डाली, और मैगी ने बड़े ही स्मार्टली इसी स्टोरीज को अपना ब्रांडिंग कैंपेन बना लिया। और ई कॉमर्स कंपनी लाइक स्नैपडील ने अपना एक की डील नाम का कैंपेन लॉन्च किया, जहाँ पे उन्होंने मैगी को फ्लैश सेल की तरह लाया, जहाँ पे मैगी के 12 पैक्स पर गुडीज पर फ्लैश सेल अनाउंस कर दी। एंड गेस व्हाट, विद इन 5 मिनट्स ऑफ लॉन्च ओवर 60,000 ऑर्डर्स वर रिसीव्ड। एंड फ्रॉम हैविंग नियर डेथ एक्सपीरियंस, मैगी केम बैक टू आवर होम जस्ट लाइक दैट।